बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल में डॉक्टर समर सिंह ने वाइस चांसलर का पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर रमर सिंह इससे पहले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल के विस्तार शिक्षा निदेशक और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक रह चुके हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर समर सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली करनाल में अप्रैल 2020 से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यहां किसानों को बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण व आधुनिक तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 36.25 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। बागवानी विश्वविद्यालय बनने के बाद किसानों को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि नोनी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश की तरह फलों व बागवानी की कई कई किस्में हर साल किसानों को मिलेंगी। करनाल में विश्वविद्यालय के खुलने के बाद इसी तरह की तकनीक हरियाणा के करीब 16.17 लाख किसान परिवारों को उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर समर सिंह देश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्होंने फसलों के खरपतवार नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य भी किए हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास जताया और हम क्योंकि हरियाणा में एक जो धान गेहूं फसल चक्र है तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं किसानों को, और पानी जैसे कम नीचे जा रहा है, ज़मीन ख़राब होती जा रही है, तो और आमदनी हमारा मुख्य जैसा जैसा थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी डबल आमदनी होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास जो है वो बागवानी है। अगर क्योंकि हरियाणा में इसके बागवानी के लिए जैसे सब्जियां, फल फूल जितने भी इसमें आते हैं सभी के लिए जलवायु अनुकूल है, मिट्टी अनुकूल है, पानी अनुकूल है, अवेलेबल है, और किसान बड़े मेहनती है और किसान प्रगतिशील है, वो करना चाहते हैं, और उसी दिशा में हम किसान का साथ इसमें देने के लिए काम करेंगे। ये यूनिवर्सिटी सोचती है कि किसानों की आमदनी बागवानी के थ्रू डबल जल्दी से जल्दी वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बागवानी फसलों में आए, और क्योंकि ऐसा होता है कई बार एक बागवानी से ज़मीन तो हमारी सुधरेगी, पानी बचेगा और जो हेल्थ है ह्यूमन की न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी पूरी होगी। इससे यूनिवर्सिटी के मुख्य कार्य है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को अभी 3 साल पहले ये हुआ था अभी ये यूनिवर्सिटी बनेगी, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्लासेज जो बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेज हैं वो स्टार्ट करें, और उसका हमारा टारगेट यही है कि अप्रैल के महीने से हम प्रोसेस शुरू करेंगे, और इस सेशन में 2020 वाला जो सेशन है जून जुलाई वाला वहाँ से क्लासेज इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। पहले से ही इसमें एमएससी पीएचडी की हमारी क्लासेज स्टूडेंट्स हिसार में चल रही हैं, और मैं तो इस मौके पर हमारे जो कुलपति जी हिसार के हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ी ही हमारी इसमें सहायता कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में। वो अपना जो एचएयू यूनिवर्सिटी हिसार में है उसका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और आगे भी उसका सहयोग लेते रहेंगे जब तक हमारा स्टाफ नहीं है। हमारी कोशिश जल्दी से जल्दी यही रहेगी कि यहाँ जो जिस उद्देश्य से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो जल्दी से जल्दी उस उद्देश्य को पूरा करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे जितने भी हमारे बहुत प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका हम सहयोग लेकर भरपूर कोशिश करेंगे इस यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी खड़ा करने की। तो इसका हरियाणा में रकबा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी बागवानी को और भी ज़्यादा? हमारी कोशिश यही होगी, क्योंकि नई से नई तकनीक हम यहाँ पर किसानों को बताएंगे, और अभी जल्दी ही हम कुछ कोर्सेज ऐसे यहाँ पर शुरू करेंगे जिनसे किसान ट्रेनिंग लेके उनको अपना के उसका पूरा फायदा उठाएंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।